जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय जी के निर्देशानुसार हम ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं पिछले काफी दिनों से। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के दो कारण हैं। एक दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है वो, एक जो दिल्ली में बाहर से प्रदूषण आता है दूसरे राज्यों में पराली जलने से। इस मौसम में जब दूसरे राज्यों में पराली जलती है और कुछ मौसम की वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय जी के निर्देशानुसार हम ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से कि आप रेड लाइट पर अपनी गाड़ी बंद कीजिए। इससे देखिए पॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ना, तो हम हर वो तरीका, दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, डस्ट ना फैले, गाड़ी बंद हो। तो इससे हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी जिस टाइम रेड लाइट ऑन हो तो बंद करें ताकि प्रदूषण पे कुछ राहत मिले। इस तरह से जो लाल बत्तियों पे खड़े होकर कोई गाड़ी अपनी बंद नहीं करता है तो वो आपकी बात माने, वो क्या जरूरी है? नहीं, हम देखिए किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, हम हाथ जोड़ के गुलाब का फूल दे के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए किसी मेरे लिए नहीं है या आपके लिए नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जनता के लिए है, सबके लिए है। पॉल्यूशन नुकसान करता है तो पूरी जनता को नुकसान करता है, सभी के लिए है। तो सबके अच्छे के लिए हम हाथ जोड़ के फूल दे के एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस तरह का जो अभियान है, इस मुहिम को कब तक चलाएंगे कि प्रदूषण क्या खाली इसी से ही हो रहा है और भी अन्य भी तो चीज़ें हैं? अन्य चीज़ें हैं, उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ प्रदूषण हो रहा है हमारी कोशिश है वहाँ वहाँ हम रोक सकें। जिस तरह से जागरूकता फैला के हमने डेंगू को ख़त्म किया, अरविंद जी ने एक अभियान चलाया डेंगू ख़त्म किया, पिछले 3 साल से डेंगू पूरी 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने साथ दिया, उसी तरह से ये जो हमने अभियान चलाया है, दिल्ली की जनता का पूरा साथ हमें मिल रहा है और दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ कर इस जागरूकता अभियान में हिस्सा ले रही है और इससे उम्मीद है काफ़ी प्रदूषण पर राहत मिलेगी। रुकना तो चाहिए, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हम जैसे गाड़ियों को ऑन ऑफ करने की सलाह दे रहे हैं कि भैया रेड लाइट हो जाती है तो आप अपनी गाड़ी को ऑफ कर लो, तो उससे काफ़ी पोल्यूशन में कमी आएगी। नहीं, अगर इस तरह की बात अगर जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं अगर वो मानते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण भी रुकेगा और उनका जो फ्यूल है वो खर्च भी बचेगा, तो कहीं ना कई फायदे हैं इसके। काफ़ी फायदे होंगे, पेट्रोल भी बचेगा उनका, गैस भी बचेगी और हमारा प्रदूषण भी कम होगा। तो आप जब लोगों को इस तरह की बात कहते हैं तो क्या वो आपकी बात मानते हैं या कभी आपसे लड़ते झगड़ने का भी काम? नहीं नहीं, अभी तक तो किसी ने ऐसी बात कही नहीं है, सब खुश हो गए, अपनी गाड़ी बंद कर लेते हैं और हम उन्हें प्यार से फूल भी दे रहे हैं। तो ये गुलाब का फूल किस लिए है आपके पास? ये हम जैसे गाड़ी ऑफ कर लेते हैं वो, तो उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं जी कि आपका वेलकम है गाड़ी ऑफ करने के लिए। यानी कि धन्यवाद स्वरूप आप एक गुलाब का फूल देते हैं कि आप इस अभियान में जुड़ गए हैं। जुड़ गए, हमारा साथ दिया आपने और गाड़ी ऑफ करी। इससे यही संदेश है कि ये पोल्यूशन इससे कम होगी, बाकी इससे हम लोग पब्लिक को, गाड़ी वाले को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपना गाड़ी बंद कर दे, इसके माध्यम से तो कुछ पोल्यूशन कम होगा। तो लगता है कि ये जो अभियान है ये कहीं ना कहीं कामयाब रहेगा और ये जो सर्दियां शुरू हो गई हैं इन सर्दियों में प्रदूषण कम हो जाएगा। हाँ, मुझे तो विश्वास है कि कम होनी चाहिए। बूंद बूंद घड़ा भरता है जी, हमारे हिसाब से तो जितना योगदान मिलेगा उतना बढ़िया रहेगा और हमें लगता है कि थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होना ही चाहिए इस चीज़ से। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस अभियान के तहत? मेरा संदेश यही है कि जिस तरह से अरविंद जी लगे हुए हैं सबके हित की बात करने में, सबके फायदे की बात करने में, तो उनका दिल से सभी मिल के साथ दें तभी हम इस प्रदूषण से लड़ सकते हैं। मैं इस बात से 100% श्योर हूँ कि गाड़ी अगर लाल बत्ती पे बंद की जाए तो कम से कम बढ़ते हुए पोल्यूशन का स्तर जो है वो कुछ तो कम होगा और इससे कई लोगों को, नहीं हमारे दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को निजात मिलेगी कि जो पोल्यूशन है इतना जहरीला हो चुका है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और ये बढ़ती हुई उम्र के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। युवा पीढ़ी तो अभी जैसे तैसे काम करने जा रही है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन से। तो हर साल इसी तरह से जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो प्रदूषण का भी दौर शुरू हो जाता है, तो अब ये पहले से ही क्या कमान कसने वाला काम किया गया है कि रेड लाइट ऑफ, गाड़ी ऑफ से रेड लाइट ऑन पे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या पराली का भी कोई मसला इसमें रहेगा? पराली का मसला तो अलग है, देखो हरियाणा, यूपी, पंजाब, इस जगह अभी तक जो हमने देखा है न्यूज़ के अंदर उसमें कम से कम 1000
से ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया पराली जलाने के ऊपर, तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि उन पर मुकदमा करने से, उनको सही तरीके से समझाने वाला कोई होना चाहिए कि पोल्यूशन हमारे लिए कितना जहरीला और कितना खतरनाक है। दिल्ली में ये योजना जल्दी शुरू होने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में दिसंबर के बाद जो जहरीला धुआं और आता था उसमें कुछ ना कुछ तो गिरावट आएगी।